प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैं अपने जम्मू वासियों से इस मीडियम से एक बार फिर मुखातिब हो रही हूँ। जो 2 साल पुराना वैश्विक चुनौती सारा संसार जूझ रहा है और हमारे जम्मू रीजन में भी मार्च से लेके आज तक हम ये तीसरी लहर जो है उसका मुकाबला फिर से एक बार कर रहे हैं। ओवर द टाइम हमने रियलाइज़ किया, पहली लहर भी हमने देखी, हमारे लोगों ने दूसरी लहर को भी देखा और ये अभी तक समझ आ चुका है कि ये वायरस जो है म्यूटेशन प्रोन है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न पिछली वेव में अगर डेल्टा प्लस था तो इस बार ओमिक्रॉन है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न उस वायरस को बोलते हैं जो क्लिनिकली कंसर्न करता है या पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस जिसकी होती है, जैसे कि ये वाला इसलिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन गया, ये बहुत फास्ट ट्रांसमिसिबल वायरस है। परिवारों के परिवार देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स या कॉमन कोल्ड लाइक सिम्टम्स, इस बार क्लिनिकल प्रेजेंटेशन थोड़ी बदली है जिसमें मरीज़ जो इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं वो खांसी ज़ुकाम जो पिछली लहर में नहीं देखने को मिल रहा था, तो ये बदलाव आया है। इसको आम जनता आम खांसी ज़ुकाम ना समझे और उस वो समझ के रिलैक्स ना हो जाए, ये प्रूव हो चुका है टेस्टों द्वारा कि ये कोविड ही है और रिलैक्स हम बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि आज तक इस कोविड वायरस ने बहुत भेस बदले हैं, म्यूटेशनल चेंजेस इसमें फास्ट हो रही हैं, कब ये पलटी भी खा सकता है और कहीं हमारे जो बुज़ुर्ग और बच्चे हैं जो कि स्टेटिस्टिकल प्रेडिक्शंस भी हैं कि ये जो लहर शायद बच्चों को ज़्यादा इन्वॉल्व करेगी और देखने में भी आ रहा है कहीं बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ वाला जो हमारा बुज़ुर्ग वर्ग है उनमें थोड़ी बहुत मौतें भी देखी गई हैं। तो मैं आपको एक बार फिर प्रार्थना करना चाहूँगी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसमें मास्क का पहनना और बहुत अच्छे से पहनना, एक टाइट फिटिंग मास्क जो नाक और मुंह को अच्छे से ढकता हो, वही सबसे बड़ा वेपन है इस जो युद्ध हमारी लगी हुई है इस अदृश्य शत्रु के साथ, इस वायरस के साथ। मास्क ही हम सबको बचा के रख सकता है अगर हम चाहें कि हमें इन्फेक्शन ना हो, ये हमारे हाथ में है, लेकिन कहीं कभी कोई चूक हो जाए और इन्फेक्शन हो भी जाए तो तैयारियाँ पूरी हैं। और यही एक बड़ा मैसेज है कि अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग, होम आइसोलेशन में रहते हुए सेल्फ मॉनिटरमेंट हमारा चाहिए है, जो लॉजिस्टिक्स चाहिए हैं वो हमारे पास हैं। आज हमारे पास कोविड का 500 बिस्तर का एक हॉस्पिटल DRDO ने तैयार करके हमें दिया हुआ है कि जो कि एक बहुत बड़ी हमारे लिए इस संभाग के लिए एक देन है। और आज हम अगर कोविड के साथ लड़ना चाहें तो उस कोविड DRDO हॉस्पिटल के माध्यम से अच्छी तरह से कोविड के साथ हम लड़ सकते हैं। मेरा इस माध्यम से आप लोगों से यही कहना है कि हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरह से कोविड से लड़ने के लिए तैयार है और हम आपकी पूरी तरह से मदद करने के लिए भी तैयार हैं, पर क्या आप अपनी मदद कर रहे हैं इस बात के लिए आपको विचार करना है। क्या आप मास्क पहन रहे हैं? क्या आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं? क्या आप 2 गज की दूरी मेंटेन करते हैं? क्या लोग ज़्यादा एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बीमारी को हम मिलकर एक साथ एकजुट होकर लड़ सकते हैं। धन्यवाद।